अभी देखते, आज ही तो हुआ है भैया, बच्चा अभी तो पैदा हुआ है, कि थोड़ा सांस तो लेने दो, देखते आगे आगे क्या होता है। नमस्कार, खुराना फोरम में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। लगभग एक साल पहले शिवसेना टूटने के बाद अब एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसे शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर बनाया था, वह भी टूट चुकी है, क्योंकि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने पार्टी के सभी वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं के साथ बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया है और महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। लेकिन जो कटुता शिवसेना टूटने पर दो गुटों में हुई थी, वह कटुता एनसीपी में नहीं दिख रही है। हमारे नेता पवार साहब ने जो भी कुछ कहा है उसके बारे में मैं कोई भी वक्तव्य नहीं करूंगा। वो हमारे सम्माननीय है, कल भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे। टाइप यूपी साहब कह रहे हैं कि शरद पवार साहब ही हमारे नेता है, हमारी पार्टी में दो अलग अलग विचारधारा है, एमएलएस या एमएलएस के विचार से ही हम लोग जो है हमने शेप लिया है, मेरा यानी कि उनका और अजीत पवार का ऐसा कोई इरादा नहीं था, ऐसा उनका कहना है। हो सकता है ये प्रफुल्ल भाई का बड़प्पन है कि वो पवार साहब के बारे में इतना अच्छा बोले। मैं प्रफुल्ल भाई की तहे दिल से आभारी हूँ कि वो पवार साहब के बारे में आज भी इतना अच्छा बोले, और अब तक का जो रिश्ता रहा है वो निभा रहे हैं। सुन के मुझे बहुत बहुत आनंद। आपने कहा कि दादा आपकी भाई है और आप, अरे यही आपके पारिवारिक संबंध बने रहेंगे और बिल्कुल रहेंगे, प्रोफेशनल संबंध जो है वो अलग मतलब अलग मोड में रहेंगे, आज अलग मोड पे आए। हाँ, तो आप जो है प्रोफेशनल लेवल पर जब वो पार्टी पर चुनाव चिन्ह पर दावा करेंगे या फिर जो भी क्लेम करना चाहेंगे, तो उसका आप लीगली या फिर सड़क पर उतर कर मुकाबला करेंगे, क्या किस तरह से करेंगे? मेरे ख्याल से इस बारे में हमने अभी तक सोचा नहीं है। और सुबह पवार साहब ने भी, अगर आपने उनकी प्रेस देखी होगी, तो एक चीज पवार साहब दो तीन बार बोले कि हम इस सब में नहीं फंसेंगे, हम लोग डायरेक्ट लोगों तक जाएंगे, हम लोगों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। ये चीज़ पवार साहब ने आज सुबह ही बोली है। तो मेरे ख्याल से जो महाराष्ट्र और देश की जनता, माई बाप जनता है, वो तय करेगी। शायद इसीलिए शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, और 84 साल की उम्र में आज भी शायद राजनीति में उनका कोई सानी नहीं है, और यह आने वाला वक्त बताएगा। आपने आपके बहन से क्या बात की, आप मुझे बताएंगे, तो मैं कैसे आपको बताऊं मैं और मेरे भाई के बारे में क्या बात की।